हमजा ताकतवर बड़े बड़े सरदार डरते थे उनसे। एक औरत ने उनकी असैसिनेट प्लान की, हायर्ड अ मैन टू असैसिनेट हिम, डीकैपिटेटेड हिज बॉडी, म्यूटिलेटेड हिज बॉडी एंड एट हिज लिवर इन पब्लिक एंड नोबडी डिड एनीथिंग टू हर। तो आपका ख्याल है कि औरतें सब कमजोर थी? अगर इतने तकड़े सरदार थे तो हिंदुओं को क्यों नहीं रोका? देखिए, मैंने हमेशा एक बात की कि प्यार के लिए एक यार चाहिए, तो प्यार यार से, इश्क खुद से और खुद खुदा से। तो ये हम लोग जिस चीज को सेल्फिश कहते हैं, व्हाई इज इट रॉन्ग? इट्स एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। यू नो, लविंग योरसेल्फ इज लविंग गॉड। तो मोहब्बत तो बुनियाद है, हर चीज की बुनियाद मोहब्बत है। नफरत के लिए भी बहुत सारी मोहब्बत चाहिए, उसे नफरत ही नहीं कर सकते जिसे कभी प्यार ना किया। अगर आपकी मोहब्बत है, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस मोहब्बत है, या जो रेजिडेंट है, जो साथी है, 60-70 साल की मोहब्बत है, ये सारी मोहब्बत है। ये मजमुआ है, हम खुद एक मजमुआ है मोहब्बत का। हमें तो जब तक प्यार नहीं होगा, अगर प्यार नहीं तो चाह नहीं, अगर चाह नहीं तो कल क्यों, फिर हम क्यों? मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं। इंस्टिंक्टिव होती है? इंस्टिंक्टिव है, ये बुनियाद है इंसान की। हमें प्यार चाहिए और हमें प्यार करना है। अब हर इंसान का अंदाज मुख्तलिफ है प्यार करने का। हम चाहते हैं लोग हमें उसी तरह चाहें जिस तरह हम चाहते हैं, ये नामुमकिन है। आपकी चाहत आपकी मिरास, सिर्फ आप ही इसी तरह चाह सकते हैं। आपकी माँ भी आपकी तरह नहीं चाह सकती। चाहत सिर्फ आपकी, जिस तरह आपके हाथ की लकीरें, आपका थंबप्रिंट, उसी तरह आपकी चाहत मुनफरिद। तो देखिए, मर्द की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत, और मर्द और औरत में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारी फिजिक्स मुख्तलिफ, हमारी केमिस्ट्री मुख्तलिफ, हमारी बायोलॉजी मुख्तलिफ। यू नो, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, एक से समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ हम लोग महसूस करते हैं, औरत तो बिल्कुल, औरत तो खुदा है ना। वो पैदा भी कर सके और जिस चीज़ को पैदा करे उसको नशोनुमा भी दे सके। मर्द के अंदर से सिर्फ गैस निकलती उससे तो चूल्हा भी ना जले। हमारा काम और, औरत की मिरास और। भाई, अकॉर्डिंग टू मेरी सोच के लिहाज से मैं अगर आपको बताऊं, तो मुझे तो लगता है कि वेमेन वर मेड टू रूल एंड मेन वर मेड टू इंश्योर दैट दे रूल। वी वर टू प्रोटेक्ट देम एंड दे वर टू गाइड अस। पहले तो सारी औरतें होती थी ना, वेमेन वर एट द पीक। जितनी आप देखें, क्लियोपेट्रा, शीबा, गॉडेसेस थीं, देवियां थीं, ये तो बाद में हुआ सारी चीजें। मर्द तो बहुत बाद आए इन कामों में। वुमेन ऑलवेज रूल्ड। अगर आप अरब का ही देख लें, हुजूर सल्लम के जमाने में तो वुमेन वर रूलिंग। आई डोंट थिंक दैट मेन वर द सरदार्स। अगेन, यू नो, पीपल माइट डिसएग्री विद इट, but what I have read and what I've heard, you know, since a child, ke Hazrat Khadija was a successful business woman. To agar wo successful business woman thi, to aur bhi bahut si successful business woman hongi. Uske baad Hinda, Arab sardar the aur koi chote mote sardar nahi the. Hamza ताकतवर, बड़े बड़े सरदार डरते थे उनसे। एक औरत ने उनकी असैसिनेट प्लान की, हायर्ड मैन टू असैसिनेट हिम, डीकैपिटेटेड हिज बॉडी, म्यूटिलेटेड हिज बॉडी
and ate his liver in public and nobody did anything to her. तो आपका ख्याल है कि औरतें सब कमजोर थीं? हुंडा ने जो किया वो नफरत में कहा है या मोहब्बत में? देखिए नफरत उसी से होती है जिसको टूट के चाहा हो. पहले बताया आपको जुलेखा का प्यार जैसे था तो नफरत ऐसे तो नहीं कर सकते जिसको टूट के चाहा हो और उसने तोड़ दिया हो या उसकी वजह से टूट गए हो. और इस वक्त क्या टूटा था? अना टूटी थी. अना टूटी थी ना. लेकिन हजरत यूसुफ ने तो कभी मोहब्बत नहीं की सुलेखा से. क्यों नहीं की होगी? अगर नहीं की होती तो खामोश रहते. हर इंसान का मोहब्बत का लिहाज मुख्तलिफ है ना. हम अपने लिहाज से सोच रहे हैं. उन्हें बदला तो नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? सर आप आई एग्री के ठीक है अमेज़ोनियंस होती थी खवातीन जिन्होंने रूल किया वॉरियर वुमेन. आपने हजरत खदीजा का जिक्र किया अरब वर्ल्ड का. लेकिन उसी अरब वर्ल्ड की उसी टाइम की जब हमें बताया जाता है तो सिर्फ हजरत खदीजा की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात तो नहीं की जाती. हमें तो ये भी बताया जाता है कि उसी अरब वर्ल्ड के अंदर बच्चियाँ जब पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था. देखिए हमें जो बताया ना दैट्स हिज स्टोरी. That's why it's called history. अगर इतने तकड़े सरदार थे तो हिंदुओं को क्यों नहीं रोका? औरत थी ना. अगर औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी तो रोक लेते उसको या सजा देते. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.